दोस्तों यहाँ हम पाई पटेल नाम के लड़के को देखते हैं, जो उसके फैमिली के साथ समंदर से जा रहा होता है। उसके साथ उस शिप में कई दूसरे जानवर भी जू में रखने के लिए जा रहे होते हैं, पर उसी रात एक तूफान आने की वजह से उनका शिप डूबने लग जाता है और तूफान में पाए जैसे तैसे एक लाइफ बोट पे कूद जाता है। तभी उस बोट में एक ज़ीब्रा ऊपर से गिर जाता है। ज़ीब्रा के झटके से बोट की रस्सी टूट जाती है और पाए उसके फैमिली से दूर समंदर में अकेला निकल जाता है। उस बोट में पाए और ज़ीब्रा होते हैं, जो अकेले उस तेज तूफान से जा रहे थे। दूसरी सुबह जब तूफान थम जाता है तो वो देखता है कि बोट के टेंट में एक और जानवर छुपा हुआ है, जो कि एक हाइना है। पाए डर के मारे टेंट के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि वो हाइना एक्टिव हो चुका है। उसी वक्त पाए देखता है कि समंदर में एक चिंपांजी कुछ केलों के गट्ठों के ऊपर बैठकर बहता हुआ जा रहा है। पाए उसे जोर से आवाज लगा के अपनी बोट पे आने में मदद करता है। अब उस बोट पे चार लोग होते हैं, पाए, चिंपांजी, ज़ीब्रा और वो हाइना। बोट में चिंपांजी और पाए के लिए खाना तो होता है, पर उस हाइना के लिए नहीं, क्योंकि वो एक शिकारी है।